नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिदारी थाना क्षेत्र के सागर गांव में आपसी बंटवारे को लेकर दबंग पटीदारों ने दूसरे पक्ष की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। मेरी जानकारी के मुताबिक सागर निवासी राम नयन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी रीता विश्वकर्मा को शुक्रवार को दिन में दूसरे पक्ष के रोहित विश्वकर्मा, उनके पुत्र विकास व पत्नी समेत अन्य सदस्यों ने घेर कर मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे राम नयन व उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित दंपत्ति इसी तहरीर को लेकर सीधा थाने पहुंची, लेकिन उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाने के लिए कह दिया गया, कोई तहरीर नहीं दी गई। देर शाम तक पीड़ित अस्पताल में अपना मेडिकल ही करवाते रह गया। मट्टी खान के देवलिए मट्टी फेंका ले जाते वो खाली मने के लिए, और न तो उनका लड़का है, वो कुल परिवार पूरा आके लगने लोग मार चुके इतने बात है। हाँ, और कौन ईटा वाले ले जाके दीवार खान के लोग जोड़े हुए ना, तो हम ना कुछ बोल नहीं खाली होते रोहित हम उनका लड़का और विकास और उनके मेहरारू और दूर थे लड़की आए थे रिश्तेदार के लड़का यह लोग रहना पुलिस के यहाँ आई नहीं तो उसके बाद में कहने की केसन लिख के दे दा दयानी होकर बाद में लेडीज पुलिस से कहने की क्या है जा हम पटरी बना के जा हम पुलिस भेज देंगे घर पे और वहाँ केहू न पहुँचाना। अब आप लोग कहाँ है? हाँ, अब कहाँ है वो लोग? अब नहीं, अब तू लोग कप्तान साहब क्या है? हाँ, कहाँ ये जो कप्तान ने साथ मारे हैं, इनको मार रहे थे, इनको छुड़ा रहे थे केवल उसी पर मारे, ये सब हमको ईटा से मारे हैं, कपात फूट कर तीन चार ठहर मर ले। पुलिस कार्रवाई के लिए? हाँ, किए तो थे, थाने पे गए थे, लेकिन थाने वाले नहीं सुनवाई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।